भारत की धरती रहस्यमय घटनाओं से भरी पड़ी है, तो आज हम कुछ ऐसे ही भारत के रहस्यमय घटनाओं की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जहां मनुष्य एक जगह चांद पर जा रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता। जी हाँ, भारत में भी कुछ ऐसी ही विचित्र बातें सामने आती हैं जिनका जवाब आज भी अबूझ पहेली बनी हुई है। इसी तरह कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके होने के पीछे कोई पुख्ता वजह नहीं है। कहीं वैज्ञानिकों ने इस बारे में बहुत खोजबीन करने की कोशिश की, मगर उनके हाथ कुछ न आया। नंबर एक पर आता है जुड़वा बच्चों का गाँव। भारत के केरल में एक गांव है जहां अधिकतर जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। इस गांव में 200 से ज्यादा जुड़वा बच्चे हैं। ऐसा किस लिए हो रहा है, इस बात का कारण कोई नहीं जान पाया है। नंबर दो पर आता है ताजमहल में बना शिव मंदिर। दुनिया भर में सबसे मशहूर इमारत ताजमहल को शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता होगा। हमेशा से ये सुनते आए हैं कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, लेकिन इसके अलावा कई लोगों द्वारा ये दावा भी किया जा रहा है कि ताजमहल की जगह पहले एक किला नहीं बल्कि एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तजो महाले था। शाहजहां ने मंदिर पर कब्जा करके उसे हथिया लिया और शिवलिंग की जगह पर मुमताज की कब्र बना दी गई। नंबर तीन पर आता है बुलेट की पूजा। राजस्थान के पाली जिले में एक गांव है जहां बुलेट की पूजा होती है। इसके पीछे एक कहानी यह है कि ओम सिंह राठौर नाम के एक शख्स अपने बुलेट मोटरसाइकिल पर अपने ससुराल जा रहे थे, तभी पेड़ से टकराने पर उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद पुलिस बुलेट उठाकर अपने साथ ले गई, लेकिन बुलेट अपने आप ही उसी जगह पर आ गई। ऐसा कहीं बार हुआ, आखिरकार लोग इसे चमत्कार मानने लगे और बुलेट की पूजा करने लगे। नंबर चार पर आता है हवा में लटका स्तंभ। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में लगभग कई स्तंभ बने हुए हैं, लेकिन एक स्तंभ ऐसा है जो हवा में लटका हुआ है, मतलब बिना सहारे के। मंदिर में आने जाने वाले लोग और वहां के पंडित भी यह देखकर हैरान हैं। इतना ही नहीं, लोग तो जमीन और स्तंभ के बीच कपड़ा निकालकर भी देखते हैं। ऐसा क्यों है, इसका कोई भी पता नहीं लगा पाया है। नंबर पाँच पर आता है कंकाल वाली झील। उत्तराखंड में हिमालय पर रूपकुंड नाम की एक झील है जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी बर्फ पिघलती है यहाँ नर कंकाल और खोपड़ियाँ देखने को मिलते हैं। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जमी हुई झील के पास मिले लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के उन भारतीय आदिवासियों के हैं जो 9वीं सदी में ओले की आंधी में मारे गए थे। नंबर छह पर आता है पक्षियों का सुसाइड पॉइंट। हुई ना हैरानी, ये बात सच है। असम के बोरेल हिल्स में जातिका नामक जगह मौजूद है, इसे बर्ड सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बरसात के दिनों में और सितंबर अक्टूबर महीने की रातों में पक्षी यहाँ आकर पेड़ से टकराते हैं और किसी तरह से अपनी जान ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका पता अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। नंबर सात पर आता है राजस्थान का वीरान गाँव। राजस्थान का एक गांव जहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें रातों रात ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे में वह लोग वहां से जाते जाते उस जगह को श्राप दे गए कि यहां फिर कोई नहीं बस पाएगा। तब से ही ये गांव वीरान पड़ा है। कहीं लोग ऐसा कहते हैं कि इस वीरान गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा है। बताया जाता है कि यदि कोई रात में रुकने की कोशिश करता है तो उसे अनजानी शक्तियों का आभास होता है। नंबर आठ पर आता है बिना तेल और बाती के जलती हैं ज्वाला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा गांव में ज्वाला देवी का एक मंदिर है। कहा जाता है कि जब सती माता खुद को अग्नि को समर्पित कर रही थी तब उनकी जीप इस जगह पर गिरी थी, अतः सभी शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ माना जाता है। खास बात ये है कि यहाँ बिना तेल और बाती के सालों से एक लौ जल रही है जो आज तक नहीं बुझी है। नंबर नौ पर आता है चित्तौड़ का किला। राजस्थान के चित्तौड़ का किला वह जगह है जहाँ रानी पद्मावती और अन्य रानियों ने जौहर की आग में जल गई थी। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और रानी पद्मावती को अपनी शरण में करना चाहा, तो रानी पद्मावती और अन्य रानियों ने जौहर की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से ही रात के समय मदद की गुहार लगाती औरतों की आवाज आती है और रात के समय जौहर कुंड के पास जाने की भी मनाही है। और दोस्तों, नंबर 10 पर आते हैं प्रहलाद जानी। गुजरात के मेहसाणा जिले में रहने वाले प्रहलाद जानी वैज्ञानिकों के लिए भी एक सवाल बनकर रह गए हैं। पिछले कहीं 70 सालों से वो बिना कुछ खाए पिए रह रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ने उनकी इन शक्तियों को जानने के लिए उन पर टेस्ट भी किया, लेकिन प्रहलाद बिना कुछ खाए पिए ही रहे। इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें सुपर ह्यूमन घोषित कर दिया। दोस्तों, इतिहास की कुछ ऐसे ही रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।